हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऋषिकेश में आप लोग कहां पे बजट के अंदर स्टे कर सकते हैं। याद रखिएगा, बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो लोग भी ऋषिकेश में आना चाहते हैं सबसे मेन प्रॉब्लम होती है स्टे की। तो अगर आप लोग मेरी तरह कोई सोलो ट्रैवलर है, बजट ट्रैवलर है, या फिर कोई स्टूडेंट है जो ऋषिकेश में आना चाहता है, उसके लिए बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ बजट स्टे जो हॉस्टल्स होते हैं, जो होम स्टेज होते हैं, उन लोगों के बारे में जो आप लोगों को बजट के अंदर अच्छी सर्विसेज देंगे। मैं होटल्स की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि होटल्स थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं लग्जरी अफोर्डेबल होटल्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हॉस्टल्स के बारे में, होम स्टेज के बारे में, जो आप लोगों को एक अच्छा स्टे प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप लोग देख रहे हैं वन मोर जर्नी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एक प्यारे से लाइक के साथ, एक प्यारे से कमेंट के साथ। चैनल पर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर दो जो लोग ऋषिकेश जा रहे हैं। अगर आप नहीं जा रहे तो आपको कोई फ्रेंड जा रहा है, उन लोगों के साथ शेयर कर दो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, हमारी इस ऋषिकेश की सीरीज में मैंने आप लोगों को अब तक एडवेंचर स्पोर्ट्स टॉप 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन ऋषिकेश इसके बारे में बता दिया है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बजट स्टेज इन ऋषिकेश। तो आज जिन हॉस्टल्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये सभी ऋषिकेश के टॉप रेटेड हॉस्टल्स हैं और इन सभी के प्राइस टाइम टू टाइम 50-60 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो नंबर 5 पे है हमारा मैड पैकर्स ऋषिकेश। ये हॉस्टल लक्ष्मण झूला के काफी नजदीक है। एंड अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो यहाँ पे आप लोगों को डॉर्मेट्री बेड्स 429 टू 490 रुपीज में प्रोवाइड हो जाते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे एक सेपरेट रूम चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके एक सेपरेट रूम भी ले सकते हैं। और अगर बात करूँ यहाँ पे एमिनिटीज की, तो यहाँ पे आप लोगों को फ्री वाईफाई, आउटडोर स्पोर्ट्स, इंडोर गेम्स, सिटिंग एरिया, एयर कंडीशन, डाइनिंग एरिया वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो नंबर 4 पे आता है हमारा गो स्टॉप्स ऋषिकेश। ये हॉस्टल पड़ता है हमारा तपोवन में और ये हॉस्टल गोवा बीच के काफी नजदीक है। अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो यहाँ पर भी आप लोगों को डॉर्मेट्री बेड्स 464 टू 550 पर नाइट के हिसाब से आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर भी आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके एक सेपरेट रूम भी ले सकते हैं। बात करें अगर गो स्टॉप ऋषिकेश की एमिनिटीज की, तो यहाँ पे आप लोगों को फ्री एंड पेड सर्विसेज दोनों मिल जाती है। जैसे फ्री इंटरनेट के साथ साथ आपको पेड लॉन्ड्री सर्विसेज, पेड ट्रांसफर्स, पेड टिकट्स, पेड ड्राई क्लीनिंग वगैरह सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है। तो नंबर 3 पे आता है हमारा द हॉस्टलर्स ऋषिकेश मिनी। ये हॉस्टल भी हमारा तपोवन के अंदर पड़ता है और ये हॉस्टल भी हमारा गोवा बीच के काफी नजदीक है। बात करें अगर प्राइस की, तो यहाँ भी आप लोगों को डॉर्मेट्री बेड्स प्रोवाइड हो जाते हैं 485 टू 500 रुपीस पर नाइट के हिसाब से। बात करें अगर यहाँ की एमिनिटीज की, तो यहाँ पर भी आप लोगों को फ्री एंड पेड सर्विसेज मिल जाती हैं। जैसे फ्री इंटरनेट के साथ साथ आप लोगों को पेड लॉन्ड्री सर्विसेज, ड्राई क्लीनिंग, ट्रांसफर्स वगैरह अवेलेबल हो जाता है। और आप लोग चाहें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट देकर एक सेपरेट रूम भी बुक कर सकते हैं। तो नंबर 2 पे है हमारा लिव फ्री हॉस्टल। ये हॉस्टल भी हमारा तपोवन के अंदर आता है, नियर गोवा बीच। बात करें अगर प्राइस की, तो यहाँ पर भी आप लोगों को डॉर्मेट्री बेड्स 289 रुपीस से 440 रुपीस पर नाइट के हिसाब से प्रोवाइड हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ इस हॉस्टल की एमिनिटीज के बारे में, तो यहाँ पर भी आप लोगों को फ्री एंड पेड सर्विसेज मिल जाती है लाइक अदर हॉस्टल्स। अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट एंड लास्ट हॉस्टल की, जिसका नाम है हैशटैग हॉस्टल्स। ये हॉस्टल भी हमारा तपोवन के अंदर पड़ता है, नियर गोवा बीच। एंड बात करें अगर प्राइस की, तो यहाँ पर भी आप लोगों को डॉर्मेट्री बेड्स अवेलेबल हो जाते हैं 352 टू 391 रुपीस पर नाइट के हिसाब से। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ की एम्यूनिटीज की, तो यहाँ पर भी एम्यूनिटीज सेम ही है लाइक पेड एंड फ्री सर्विसेज जो दूसरे हॉस्टल्स की हैं। यहाँ पर भी आप लोग फ्री इंटरनेट के साथ साथ लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग, ट्रांसफर्स वगैरह पेड यूज कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये तो थे हमारे टॉप 5 हॉस्टल्स इन ऋषिकेश जो आप लोगों के बजट के अंदर रहेंगे और यहाँ पे आप लोगों को सर्विसेज भी काफी अच्छी मिलने वाली है। बात करें हॉस्टल्स की, तो इन पांचों के अलावा काफी सारे, मतलब ना जाने कितने हॉस्टल्स ऋषिकेश के अंदर और भी हैं। वो मैंने शेयर इसलिए नहीं किया कि उन सबकी रेटिंग थोड़ी ऊपर नीचे थी, तो मैंने इसलिए शेयर नहीं किया। क्या पता आप लोग मेरी वीडियो देख के गए वहां पे और आप लोगों को सर्विसेज अच्छी नहीं मिली, तो आप लोग मेरे को ही पकड़ोगे, तो इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। जो ये 5 हैं, ये टॉप रेटेड हॉस्टल्स हैं ऋषिकेश के अंदर। यहाँ पे सबके फीडबैक काफी ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए मैंने आप लोगों का शेयर किया है। और इन सबसे मैं कोई भी पेड प्रमोशन नहीं, किसी ने पैसा नहीं दिया मेरे को बोलने के लिए। एंड अगर बात करें इन सबकी बुकिंग की, तो आप लोग इन सबकी बुकिंग कर सकते हो goibipo.com से। अगर आप लोग का नया अकाउंट है, तो आप लोग को अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल सकता है वहां पे, और हमेशा goibipo ऑफर चलते रहते हैं। तो आप लोग चाहो तो goibipo का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों पर है, जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पे आप लोग देख सकते हो और भी सारे ऑप्शन वहां पे अवेलेबल है, आप लोग रेटिंग के हिसाब से चेक कर सकते हो और वहां बुक कर सकते हो। बाकी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया सारा डिटेल्स। आई होप आप लोगों को ये डिटेल पसंद आया हो। और अगर ये डिटेल पसंद आई हो, तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर देना है, आप लोगों को कमेंट कर देना है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एंड बहुत ही जल्द मैं इन सब जगहों को कवर भी करने वाला हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल रहा है उतना, मेरे को थोड़ा है ऊपर नीचे मामला मेरा, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ। एंड अगर मुझे टाइम मिलेगा, तो मैं खुद पर्सनली जाऊंगा वहाँ पे, प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि हाँ भाई सच में जगह काफी अच्छी है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। मैं तो आप लोगों से किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, पीस आउट।